हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज बहुत बिजी हूँ मैं, रोज ही बिजी रहती हूँ। आप लोग बोलोगे कि मैडम तो डेली बिजी रहती हैं, तो क्या करें, ये लाइफ है और बिजी रहना ही बहुत अच्छा है। तो अभी जो पोर्ट्रेट बन रहा है, मैंने आप लोगों को बताया था बहुत महान हस्ती का बन रहा है मध्य प्रदेश की। आई थिंक मुझे अपने हाथों से देने का सौभाग्य मिलने वाला है, तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। तो ये है, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। ये गाइस, ये तो बन रहा है, लेकिन मम्मी आप इसको पकड़ो, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। देखिए गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी ये वाली जो उंगली है, ये दोनों इतनी ज्यादा मैंने ठंडे पानी में रख लूँ, उसे आइस ऐसे ऐसे कर लो उसके ऊपर, तो बहुत सही रहेगा। उसके बाद अगर पानी से जैसे ही हटाए एकदम पूरा जलन करने लगेगा, तो लग रहा है अंदर आग उठ रही है। क्यों हो रहा है ऐसा, पता नहीं क्यों। बस मिर्ची तो नहीं छू ली थी मिष्टी ने? नहीं है? दिखा उंगली, दिखा कुछ हुई। ये दाने दाने आए हैं, देखो ये उंगली में दाने दाने आ गए। हो सकता है किसी, देखो ये पास से देखने में लगा, इधर दिखाओ दिखाओ, ये देखो कीड़े ने काटा है कुछ, रात में किसी कीड़े ने काट लिया आपको। और जामुन को आप मत खाना, आपने खाए थे क्या सुबह? नहीं मैंने नहीं खाया वो जामुन, मैंने हटा दिए। हटा दिए थे ना, क्योंकि उसको कॉकरोच घूम रहा था। रात को मिष्टी और राधिका का बनाता है, कितने बजे पुलाव? 10 बजे। 10 नहीं बज रहे थे मैडम, 11 बज रहे थे। हाँ, इस टाइम पे। हाँ, तो ये देखो ये बन रहा है। और इसका तो खैर पूरा पोर्ट्रेट, पूरा वीडियो मैं आप लोग साथ शेयर करूंगी। सुनो, मैं आइस से ऐसे ऐसे कर रही इसके ऊपर। हाँ हाँ, पानी से कुछ नहीं हो रहा। जाओ जाओ जाओ, मिष्टी को बहुत ज्यादा जलन हो रही है दोस्तों। तो अभी तो मैं अपना काम कर रही हूँ, आप लोग देखिए इतना सारा फैला रहा हो जाता है काम करते वक्त बहुत ज्यादा, और बड़ी तल्लीनता के साथ ये काम करना होता है, वरना देखो रियल फेस है ये है। और कुछ का कुछ पता चला, कुछ बना रहे हैं कुछ का किसी और का फेस बन गया। तो लोग नाम रखेंगे कि अरे मैडम को तो कुछ भी नहीं आता है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है दोस्तों मेरे साथ, क्योंकि तो इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो बहुत टाइम भी ऐसा नहीं लगता है। कोई नया व्यक्ति हो तो उसे बनाने में बहुत टाइम लगेगा ये है, पर मेरा तो कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस बोलता है इंसान का, तो सेम हियर ये मेरे साथ है। मुझे बस ये क्लास के साथ साथ कर लिया था कल मैंने इसको ड्रॉ, क्लास ले रही थी जब, और बस अभी शेडिंग करके, और ये 2 बजे तक हम लोग को लेके जाना है, मेरा भाई भी मेरे साथ जाने वाला है। ये देखते हैं अभी क्या होता है, ब्लॉग में बने रहिएगा। दोस्तों जो पेंटिंग मेरे द्वारा पहले दिलवाई जा रही थी, जैसा मुझे मतलब बताया गया था, तो मैं आनंद फानन में ये सब बना रही थी, लेकिन अभी मेरे साथ कहना चाहिए पोपटी हुआ है कि कलेक्टर साहब का कॉल आया कि मतलब सभी लोगों ने डिसाइड किया है कि पर व्यक्ति विशेष की तरफ से नहीं देना है, सारी बहनों की तरफ से है। तो फिर मेरे को थोड़ा सा ही लगा कि जब सभी बहनों की तरफ से तो मेहनत तो मैंने किया है ना, तो फिर मेरा नाम कहाँ होगा उसमें। तो फिर वो बोले कि ऐसा करो तो आप सेल कर दो पेंटिंग को, तो अभी मैंने फिर सेल कर दिया है। ये देखिए ये बन गई है, और इसको मैंने उनको सेल कर दिया। मैंने कहा अब मेरा कुछ भी नहीं, मेरा तो बस नाम रहेगा पेंटिंग पे कि मेरे द्वारा बनाई हुई है, इसलिए मैंने फिर कैंसिल कर दिया कि अब मैं नहीं आऊँगी वहाँ पर, क्योंकि कोई मतलब नहीं है जब सारी बहनों की तरफ से है। तो मैं फिर मैंने देखो पूरा कल दोपहर को 2 बजे मुझे ये कलेक्टर साहब का कॉल आया था, तब 2 बजे से मैंने स्टार्ट किया, और अभी मतलब कल रात में भी किया, और फिर दिन भर। तो ये बनाने में बहुत टाइम लगता है, मतलब सिटिंग मेरी कम से कम 8 से 10 घंटे की हुई है तब जाके, क्योंकि रियलिस्टिक वर्क रहता है तो टाइम लगता है। मत कर मिष्टी, तो मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ भी हो गया। खैर ठीक है, मुझे तो पैसे मिल जाएंगे मेरी मेहनत के, ऐसा है। तो मैंने इसको 5000 में सेल कर दिया कि मुझे मतलब अब मुझे वहाँ नहीं जाना है, क्योंकि क्या मतलब का यार, अपन मेहनत कर रहे हो फिर सारे लोग एक साथ उसको पकड़ के खड़े होके देंगे, तो फिर उसमें हमारा क्या, आप लोग खुद बताइए। कि मैं अपनी तरफ से दे रही थी जब तक तो ठीक था, लेकिन जब वो बोले कि नहीं सारी बहनें खड़ी होंगी और आपको उनके साथ देना है, तो कोई मतलब का नहीं है। तो मैंने कि नहीं, फिर मेरा उसमें कुछ भी नहीं रहेगा। हाँ,
मत कर मिष्टी, ये परेशान कर रही है। तो बस फिर दोस्तों आज अभी ये हो गई है पूरी, अब मैं इसको फ्रेमिंग के लिए भेज रही हूँ, है ना। फ्रेमिंग होने के बाद एक बार और लुक दिखा दूंगी आप लोगों को, और मुझे तो मेरा पैसा मिल जाएगा, उन्होंने खुद बोला है। 2 मिनट चुप रहो, ये देख रहे हो ये मिष्टी की बकवास ड्रॉइंग देख लो। तो 2-4 दिन में मेरा पैसा मिल जाएगा, क्योंकि अब गवर्नमेंट का काम है तो टाइम तो लगेगा मिलने में। गाइस मेरे यहाँ पे जलन मच रही है, मेरा हाथ मर चुका है, ये वाली फिंगर। ये सब ट्यूशन ना जाने के बहाने हैं मिष्टी के, ट्यूशन ना जाने के बहाने नहीं है, लिटरली मैं खुद को हो रहा होता है यहाँ पे। खुद को नहीं, ये यहाँ पे जलन मच रही थी यहाँ पे, इनका कुछ भी नहीं दिख रहा। एक्चुअली नहीं, एक्चुअली मैं आपको सब सच बता रही हूँ, अब मैं सब सच बता रही हूँ कि मिष्टी को नहीं जाना है कोचिंग, और कल मिष्टी कोचिंग पे पिटाई हुई थी मिष्टी की, इसी कारण मिष्टी ने आज ये बहाना बनाया। तो मैं एक दिन तो सुन लूंगी ना, मेरा मुंह बंद करने से कोई मतलब का नहीं है, एक दिन तो बहाना सुन लेंगे, इसके बाद हम इनका कोई बहाना नहीं सुनेंगे। गाइस तो मैं जाऊंगी मम्मी की कोचिंग में बैठने, एंड गाइस जो मैं आपको डिब्बी दिखाती थी गोल्डन कलर की, उसके अंदर था क्या बताती हूँ मैं। जाओ नानी से पहले चोटी करवा लो। तो गाइस ये थी वो गोल्डन कलर की, ये जो मम्मी को बहुत पसंद है, लेकिन मैं देने नहीं वाली। नहीं ये पहाड़ी, अरे दिखाइए दिखाइए, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। इसके अंदर है एक इरेजर, इसके ऊपर मैं टेप लगा के रखा हुआ है एक्रो टेप, एंड ये है बहुत ही क्यूट सी पेपर क्लिप। कुछ भी नहीं है, सब फालतू काम है। मैं जा रही हूँ, मेरे स्टूडेंट आ चुके हैं, 4 बच्चों के guys, नीचे वेट कर रहा हूँ। ये है पेपर क्लिप, हार्ट शेप की पेपर क्लिप जो की मेरी है। तो दोस्तों देखो वो पेंटिंग आ चुकी है फ्रेम होकर, देखो ये रखी हुई है, आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं। ये देखिए कैसी लग रही है पेंटिंग, लेकिन ये देखो क्या लिखा है उसके ऊपर। अब आप लोग को मैं पीछे वाले कैमरे से दिखाती हूँ ना, विदिशा जिले की सभी लाडली बहनों की ओर से सप्रेम है ना, ये इस पेंटिंग पर लिखा हुआ है। तो आप लोग कुछ समझ सकते हो कि मेरे दिल पे क्या बीत रही होगी, है ना। जो मैंने चाहा वो नहीं हुआ है, जो मेरे से बोला गया वो नहीं हुआ है, उल्टा ही हो गया है इस पेंटिंग के साथ ये। पर आप लोग को कैसी लग रही है ये कमेंट करके जरूर बताना मेरे को, कि मेरे साथ हो गया है धोखा। मैं सच बताऊं, मेरे को ऑर्डर दिया गया आनंद फानंद में दिया गया, कल 2 बजे दिया गया और आज 2 बजे तक मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। आप लोग खुद सोच सकते हो इतना बड़ा साइज है, मेरे को सुबह से शाम हो गई और मतलब पागल हो गई मैं, और आज सुबह से बैठ गई थी बनाने के लिए, 2:30 बजे तक मैंने कम्प्लीट की, लेकिन जब मुझे फोन आता है कि मैडम ये सबके द्वारा दी जाएगी, आप लोग खुद सोचो कि मेरे दिल पर क्या बीती होगी जब सबके द्वारा दी जाएगी, मतलब कोई मतलब ही नहीं है ना, फिर मेरे नाम का कोई मतलब नहीं है ये है। तो ठीक है, खैर कोई बात नहीं, हुआ है, मन को दुख लग रहा है बहुत ज़्यादा, वो लगेगा ही यार दोस्तों, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे द्वारा देनी थी। फिर मैंने इसको फिर सेल कर दिया कि आप लोग खरीद लो और आप लोग खुद दो, मुझे नहीं है अब इससे मतलब। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर बताना, और मेरे साथ हुआ है धोखा उसके बाद बोलना कि मुझे दुख हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, क्योंकि इतनी मेहनत कोई इंसान करता है, और क्या सोच के मैंने करी ये आप लोगों को मालूम है, लेकिन जब मेरे ही द्वारा नहीं दी जा रही तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं मैं फिर सेटिस्फाई हो गई कि मैं ऑलरेडी CM साहब को एक पेंटिंग दे चुकी हूँ, तो कोई बात नहीं ये बहनों की तरफ से ही जाए, पर मैंने अपना नाम तो उस पर लिख दिया है, क्योंकि मेन बात होती है नाम और अपने पद की, अपनी पहचान की, और अपने द्वारा अपने काम की पहचान की, और जब अपने काम की पहचान को किसी और के द्वारा दिया जाए तो बहुत दुख लगता है, आप लोग सोच सकते हो। खैर लीव इट, आगे और भी मौके मिलेंगे, कोई बात नहीं, ये बिक गई वो भी खुशी है कि पैसे मिल जाएंगे, पहले तो पैसे नहीं मिल रहे थे, पर पैसों से ज़्यादा नाम की सबको रहता है ना, कि नाम पहले है पैसा बाद में है, ऐसा है। तो ठीक है, अब जो हुआ हुआ, कोई उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तभी ये पेंटिंग जाने वाली है, वो लोग लेने आने वाले हैं, कॉल कर दिया है उनको, और आज के लिए बाय बाय। अब कुछ नहीं बोल रही मैं, मेरी बस की नहीं।